कार्यकर्ता साथियों और हमारी क्षेत्र की आम और खास जनता, देखिए आज इस धरने के अंदर जितनी माताएं बहनें हमारे बीच उपस्थित हैं और क्षेत्र के जितने सम्मानित नागरिक हमारे सामने खड़े हैं और मंच के ऊपर मंच आसीन तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हमारे बीच मौजूद हैं, देखिए मैं आप सभी लोगों से बहुत सीधी सीधी और साफ सुथरी बात करने के लिए आया हूं। पिछले 14 वर्ष से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए जो कमर हमें कसना है वो आज इस धरने के माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से और इस आंदोलन के माध्यम से हमें कसना पड़ेगा। मैं सीधे तौर पर इस क्षेत्र के विधायक और इस प्रदेश के मंत्री आदरणीय विश्वास सारण जी के ऊपर ही डायरेक्ट प्रहार करता हूं और उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, उनसे जवाब मांगता हूं कि इन 14 सालों में वो उन्होंने और उनकी सरकार ने क्षेत्र को क्या दिया। और मैं उन मुस्लिम नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर करते हैं, वो बताएं कि इस विश्वास सारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, बताइए मुझे। गरीबों को सिर्फ राशन कार्ड की लाइन में लगाया है, आधार लिंक करने के लिए हर जगह लाइन में लगाया है, बैंकों के अंदर लाइन में लगाया है, नोटबंदी के माध्यम से लाइन में लगाया है, जीएसटी के चक्कर में व्यापारी को लाइन में लगाया है, तुमने किया क्या है 15 सालों में बताइए जरा मुझे। चार वार्ड है, 75, 76, 77, 78, 79, इन वार्ड के अंदर जो विकास कार्य विश्वास सारण के माध्यम से और उनके अधिकारियों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से हो रहे हैं, उसके अंदर क्या सारी चीजें मैं आपके सामने खुलकर रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने ये आदेश दे रखे हैं कि कोई भी काम क्षेत्र के अंदर होगा तो मेरी बिना अनुमति के नहीं होगा, यदि पत्ता भी हिलेगा इस क्षेत्र के अंदर तो मेरी अनुमति के बगैर नहीं हिलना चाहिए। आदरणीय मालवीय जी, यदि आप इस कार्यालय के अंदर बैठे हैं और यदि आपके गुर्गे हमारी वीडियो बना रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार आती जाती रहती है, आप समय का इंतजार कीजिए और पक्षपातपूर्ण रवैये से इस क्षेत्र के विकास में भागीदारी मत निभाइए, सबको साथ लेकर चलिए। और उस पार्षद के वार्ड के अंदर ना नाली है ना सड़कें हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े बड़े फेंकुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक बोलता है विदेशों में जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं और दूसरा आया तो उसने बोल दिया कि साहब हमारी सड़कें तो अमेरिका से भी अच्छी है। अब मुझे बताओ कम्मू भाई, तुम्हारी ये जो आपने फोटो लगाए हैं ये सारे कौन से अमेरिका के, ये कहां कौन से वाशिंगटन के, कहां से मैचिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्रदेश की सड़कें, हर तरीके से भ्रष्टाचार, हर तरीके से जनता को त्रस्त करने का जो काम ये नाकाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, साथियों इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको आगे आना होगा और आपको लड़ना होगा। और मैं तो कम्बू भाई आपसे कहता हूं कि आपने धरना यह गलत रखा है, हमारा वार्ड, हमारा क्षेत्र, हमारी जगह और हमारा धरना, हमें कमिश्नर के सामने जाकर धरना देना चाहिए, महापौर के सामने जाकर धरना देना चाहिए, हमें लड़ाई हर पार की लड़ना चाहिए और ऐसी लड़ाई जो हम अपने घर में बैठ के लड़ेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, हमें जीतने के लिए इनकी नींदें हराम करना पड़ेगी, कमिश्नर कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, हमें महापौर का घेराव करना पड़ेगा। क्या कारण है भैया कि महापौर बनने के बाद हमारे नरेला विधानसभा के अंदर, हमारे करत क्षेत्र के अंदर महापौर एक दिन भी नहीं आया है किसी विकास कार्य का भूमि पूजन करने के लिए।